नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। गांधी जयंती पर मौन सत्याग्रह, प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सपा के अध्यक्ष के साथ मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया। सत्याग्रह पर बैठे सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार बिल्कुल नाकाम है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि ये प्रदेश सरकार की विफलता है, जिसके कारण हाथरस बलरामपुर में हुए बलात्कार बिगड़ी कानून व्यवस्था का प्रमाण है। सपा अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ नवीन मार्केट शिक्षक पार्क में मौन व्रत पर बैठे हैं। आज की जो प्रदेश की जो कानून ध्वस्त कानून व्यवस्था है और हाथरस में और बलरामपुर में जो बेटियों के प्रति जो हैवानियत के शिकार हैं और जिस प्रकार से सरकार इसमें मूक दर्शक बनी हुई है, इसके लिए जो ऐतिहासिक बेरोजगारी हुई है उसके लिए और जिस प्रकार से एक किसानों का बिल आया है और इसमें किसानों की ज़मीनों को हथियाने का जो षड्यंत्र सरकार द्वारा रचा गया है, इन सब के विरोध में आज हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर की समाजवादी पार्टी शिक्षक पार्क में गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आज यहाँ मौन व्रत सत्याग्रह हम लोग कर रहे हैं। मोहम्मद दिलशाद के साथ आसिफ अली खान की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत, कानपुर।